आज हम छोटे छोटे पपीज लेके आए हैं, जो एक ब्लैक है एक व्हाइट है, दोनों बहुत ही ज्यादा शरारती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। हाल चाल है आपका, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हमारा व्लॉग नंबर 7 है। तो व्लॉग नंबर 7 के अंदर आज हम छोटे छोटे पपीज लेके आए हैं, जो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। जो व्हाइट है वो हम दोपहर को लेकर आए थे, और जो ब्लैक है वो हम शाम को लेकर आए थे। यहाँ पर भाई इनके लिए दूध तैयार कर रहे हैं, इनको बहुत भूख लगी है इसलिए इधर उधर टहल रहे हैं, मेरे तो ये सुकून से बैठे होते हैं। अगर आप लोग हमारी फैमिली का ऐसा नहीं बने तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारे जो न्यू व्लॉग्स हैं, ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस हैं, वो आप तक जरूर पहुंच जाएं। फिर नीचे जाने की कोशिश करते हैं, बट हमने नीचे जाने देना। चलो अंदर, ये दोनों बहुत ही ज्यादा शरारती हैं। अच्छा, तो ये देखिए गाइस, ये खाना खाने लग पड़े हैं। काफी भूख लगी हुई थी, सुबह 10 बजे का इनको दूध दिया था, अब इनको काफी भूख लगी थी। छोटे हैं इसलिए इनको बहुत जल्दी काफी भूख लगने लग पड़ती है। देखें, दोनों अब इसमें झगड़ रहे हैं और खा रहे हैं। ये इनका घर है जो हमने इनसों से बनाया, फिलहाल तो ये है। जैसे जैसे बड़े होंगे तो वो एक अच्छा सा घर बनाएंगे इनके लिए। आज हम छोटे छोटे पपीज लेके आए हैं, जो एक ब्लैक है एक व्हाइट है, दोनों बहुत ही ज्यादा शरारती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। हाल चाल है आपका, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हमारा व्लॉग नंबर 7 है। तो व्लॉग नंबर 7 के अंदर आज हम छोटे छोटे पपीज लेके आए हैं, जो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। जो व्हाइट है वो हम दोपहर को लेकर आए थे, और जो ब्लैक है वो हम शाम को लेकर आए थे। यहाँ पर भाई इनके लिए दूध तैयार कर रहे हैं, इनको बहुत भूख लगी है इसलिए इधर उधर टहल रहे हैं, मेरे तो ये सुकून से बैठे होते हैं। अगर आप लोग हमारी फैमिली का ऐसा नहीं बने तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारे जो न्यू व्लॉग्स हैं, ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस हैं, वो आप तक जरूर पहुंच जाएं। फिर नीचे जाने की कोशिश करते हैं, बट हमने नीचे जाने देना। चलो अंदर, ये दोनों बहुत ही ज्यादा शरारती हैं। ये देखिए गाइस, ये खाना खाने लग पड़े हैं। काफी भूख लगी हुई थी, सुबह 10 बजे का इनको दूध दिया था, अब इनको काफी भूख लगी थी। छोटे हैं इसलिए इनको बहुत जल्दी काफी भूख लगने लग पड़ती है। देखें, दोनों अब इसमें झगड़ रहे हैं और खा रहे हैं। ये इनका घर है जो हमने इनसों से बनाया, फिलहाल तो ये है। जैसे जैसे बड़े होंगे तो वो एक अच्छा सा घर बनाएंगे इनके लिए। तो गाइस, आप सब भाई सोच रहे होंगे कि यार ये आप लोगों को किसी ने गिफ्ट दी है, इतने प्यारे प्यारे पपीज हैं, सो आप लोगों को किसी ने गिफ्ट दी है। नहीं भाई, हमें ये गिफ्ट नहीं मिले और ना ही हम किसी परचेज करके लाए हैं। सारा वाक्य आप लोगों को सुनाता हूँ। कल भाई कहीं जा रहे थे, जो मेरे बड़े भाई हैं वो कहीं जा रहे थे। सो उनको रास्ते में पहले तो ये वाला पपी मिला। ये बहुत ही क्यूट और समझदार पपी है, छोटा सा व्हाइट कलर वाला, ठीक है। तो ये मिला, इसको ना एक बड़ा डोगी, ये भाग रहा था आगे आगे, वो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। सो भाई ने इसे उठा लिया। सो भाई अगर यहाँ पे ले आए तो भाई ने कहा कि इसे मैं रखूंगा। और शाम के वक्त ही जहाँ पर भाई ने इसे लिया था, उसी चौंक में शाम के वक्त ही ये ब्लैक प्यारा वाला भी वैसे ही भाग रहा था। और जो हमारे मोहल्ले का जो डॉगी है, जिसे मोहल्ले में हमने रखा हुआ है, वो इसके पीछे था। हमें लगा शायद उसका होगा डॉगी, तो हमने उसके पास ले गए, लेकिन वो उससे खाने की कोशिश करता था। फिर एकदम मोहल्ले छोड़ के एक और डॉगी था, उसके पास ले गए, वो भी इसे खाने की कोशिश करता था। तो हम भी समझ गए कि ये कहीं दूर से आया है, तो हमने इसे भी साथ रख लिया। फिर रात को 9 बजे हम इसे भी लेके आए, और फिर हमें इससे भी अपने साथ रख लिया। अब ये दोनों पपीज यहाँ पर हैं, इनका घर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। फिलहाल हमने ऐसा घर बनाया ताकि इनको सर्दी वगैरह ना महसूस हो, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। तो आज खुद फिर भी कुछ धूप निकली, इसलिए इन लोगों को बाहर छोड़ा है। कल तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, हमने ऐसा किया था, हमने थोड़ी सी साइड पे आग लगा के इनको पहले आग के पास बिठाया, फिर हमने इनको बंद करके रख दिया। पहले हमने इसमें इनको दूध डाला था, तो क्योंकि कल नए नए लेके आए थे तो हमारे पास सामान नहीं था, तो हमने डिस्पोजेबल में से दूध डाल दिया। फिर आज हम इसके लिए ये लेकर आए हैं प्याला सा, इसके अंदर दूध डाला है, और ये रहा दूध। बहुत मुश्किलों से जिस टाइम दूध मिला है और खाना, और ये रोटी बहुत शौक से खाती है। तो कैसा लगा मेरा मजाक, हमने इसको खाना भी दिया है। लग रहा है कि ये दोनों भाई हों,
ठीक है, मतलब कि वो हमें अलग मिला है और वो अलग मिला है। बट जब हम रात को इसको लेकर आए इसके पास, तो ऐसा लग रहा था कि ये इसका भाई है। हमें पहले ऐसा महसूस हुआ कि ये इसका भाई है, दोनों भाई भाई हैं। गाइस जब इन्होंने खाना वगैरह खा लिया, दूध पी लिया, और इसे देख लो ये बहुत ज्यादा शरारती है। जबकि जो व्हाइट वाला है वो छुप करके अंदर चला गया, उन्होंने अंदर कर दिया है, वो चला गया क्योंकि इनको ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। इसे ठंड भी लग रही है और इसकी शरारतें भी फुल है। मैंने इसे अंदर किया बट ये बाहर आ गया। अब दोबारा करता हूँ इसे अंदर। चलो भाई साइड पे हो जा, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। चलो शाबाश, ओके गाइस देखे मैंने इनको अंदर कर दिया है। सो मैं अपने व्लॉग को करता हूँ एंड, कल मैं व्लॉग बनाऊंगा हाइटे जाने का, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर इनका भी सुझाव बताऊंगा इनका क्या बना है। सो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दें ताकि हमारी जो न्यू वीडियोज हैं वो आप तक जरूर पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।